बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, आज की जो वीडियो का टॉपिक है हमारा, जो मुझसे यूट्यूब पर सवाल पूछे गए, मैं आज की वीडियो उन सवालों के मुतलिक है। तो इन सवालों में मुझसे सुजुकी GS 150 के मुतलिक भी पूछा गया है, GR 150 के मुतलिक भी पूछा गया है और GD 110 के मुतलिक भी पूछा गया है। तो कुछ सवाल जो है वो मैंने नोट कर लिए हुए थे, तो इन सवालों के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे एक दोस्त ने सवाल मुझसे पूछा है, काशी भाई हम तो 3000 किलोमीटर तक ऑयल चलाते हैं। ये बेसिक सवाल इन्होंने पूछा था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सुजुकी का ऑयल कितने किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। अगर आप सुजुकी कंपनी का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितने किलोमीटर पर चेंज होता है, अगर आप किसी और ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितने किलोमीटर पे चेंज होता है। ये एक बड़ा ही अहम सवाल था मेरी नज़र में। अगर आप अपनी बाइक में, कोई भी बाइक है आपके पास, GD 110 है या GS 150 है, अगर आप इसमें सुजुकी का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 1000 किलोमीटर के ऊपर ये ऑयल चेंज कर लें। आगे जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप इस ऑयल को 1200 किलोमीटर तक चला सकते हैं। 1000 से 1200 किलोमीटर के ऊपर आप सुजुकी कंपनी का ऑयल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अपनी बाइक में किक्स ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या हैवोलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑयल भी आप तकरीबन 1000-1200 के ऊपर चेंज कर लें। एक बहुत ऑयल लिकीमोली ऑयल है जो मैं तकरीबन 2500 से 3000 किलोमीटर तक चलाता हूँ। बाकी आप जितने भी ऑयल हैं 1000 से 1200 किलोमीटर के ऊपर चेंज कर लें। उसके बाद जी, कंपनी वाले क्या कहते हैं जी कि ऑयल कितने पे चेंज करें, तो कंपनी वाले भी आपको जो है 1000 से 1200 किलोमीटर का ही कहते हैं कि अगर आप नई बाइक लेते हैं तो उसके साथ जो मैनुअल बुक मिलती है उस बुक के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं। कंपनी वाले भी तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर पे ही कहते हैं ऑयल चेंज करें। अगला सवाल है जी कि सुजुकी बाइक, मेरे पास भाई ने एक सवाल किया कि सुजुकी GS 150 बाइक है, गेयर लगाते हुए इसमें से टक टक की आवाज़ आती है, तो ये सुजुकी बाइक वालों की कह लें कि मैनुफैक्चरिंग ऐसी है, इसमें आप GD 110 बाइक ले लें या सुजुकी GS 150 बाइक ले लें, आप जब भी इस बाइक का गेयर लगाएंगे तो आपको इसके गेयर लगाने की आवाज़ ही आएगी। ये आप इसका कोई पुराना मॉडल भी ले लें, 2007-08 मॉडल GS 150 का ले लें, इनके कह लें कि गेयर की डिज़ाइनिंग इस तरीके की की गई है कि आप इसको जब गेयर लगाएंगे तो इसके गेयर में से आवाज़ ही आती है। तो अगर आपकी बाइक में ये आवाज़ ज़्यादा है तो आप इसमें के ड्रम रबड़ आप चेक करवा सकते हैं। बाज़ गाड़ियों के ड्रम रबड़ में प्ले ज़्यादा आ जाती है तो उसकी वजह से भी इसकी आवाज़ ज़्यादा आ जाती है। तो इसके ड्रम रबड़ आप बाइक के जब ख़राब हो जाते हैं तो इसके गेयर की आवाज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, तो इसके ड्रम रबड़ चेंज करवाने से भी ये आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऑयल लेवल के बारे में भी बताएं जी, सुजुकी GS 150 और GR 150 के ऑयल के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो वैसे जो आपको मैं बताऊं कि इनका ऑयल जो है GS 150 का, GR 150 का ऑयल चेक करने का तरीका कार ये है कि आप रात को बाइक को, अपनी बाइक को आप बड़े स्टैंड पे खड़ा कर दें और सुबह के टाइम आप चेक करें, अगर आपकी बाइक का लेवल जो है कह लें अप लेवल और लो लेवल के दरमियान में आ रहा है तो इसका मतलब कि ठीक है। ये बाइकें जो हैं अप लेवल के ऊपर शो नहीं करती हैं, ऑयल जो है हमेशा ये लो लेवल से थोड़ा सा ऊपर शो करती हैं, लेकिन इन बाइकों का ऑयल जो है वो चेक करने का तरीका कार ये होता है कि आप इसको बड़े स्टैंड पर चेक करें और 2 से 3 घंटे बाद इसके ऑयल को आप चेक करें। एक भाई ने मुझसे मैसेज किया जी कि आप मुझे ये सुजुकी GD 110 बाइक किस्तों पर ले दें। सर, इसका बहुत ही आसान तरीका कार है, अगर आप लाहौर से हैं तो आप इनके लाहौर में 5 से 6 शोरूम है, अथोराइज शोरूम है जो आपको किस्तों पर बाइक देते हैं, उनसे जाके पूछ लें कि ये बाइक कैसे किस्तों पर देते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी जो उनकी लास्ट अपडेट आई थी कि बाइकों को ये कैसे किस्तों पर देते हैं, तो आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। भाई ने सवाल किया है कि शॉक बूट के क्या प्राइस हैं। ये मैंने शॉक बूट के मतलब एक वीडियो बनाई हुई थी, तो जी जो जेन्युइन शॉक बूट हैं सुजुकी GS 150 के, जिनके पहले मॉडल को आते थे SC मॉडल को, वो तकरीबन है जी 2000 रुपये के। इसमें जो लोकल शॉक बूट आप मार्केट से आफ्टर मार्केट लेते हैं वो आपको तकरीबन 550 से 750 की रेंज तक मिल जाते हैं। तो जी एक भाई ने सवाल किया है जी कि मेरी बाइक है GD 110, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो इसका क्या हल है। सर, सुजुकी बाइक जो है आम बाइकों के, दूसरी बाइकों की नस्बत थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म होती है। इसकी ये वजह है, आप इसमें सुजुकी ऑयल अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके अलावा दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं,
बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको ऑयल जो है एक नंबर नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी बाइक जो ओवरहीट होती है। बाकी आप इसमें जो पेट्रोल है वो भी आप इसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल करें, 30-70 की रेशो से आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाएं, इससे भी आपकी बाइक ओवरहीट की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। मैंने सवाल किया है कि मैंने अपनी सुजुकी GR150 के क्लच का बैरिंग डलवाया था, तो ये बैरिंग जो है वो दोबारा टूट गया हुआ है। आप अपनी बाइक की क्लच प्लेटों को चेक करवाएं। जब सुजुकी GR150 में जो है ये इतना ज़्यादा मसला नहीं है, सुजुकी GT110 में ये मसला बहुत ज़्यादा है कि इसका क्लच का बैरिंग, क्लच बक्से का बैरिंग जो है वो टूट जाता है। तो आप अपनी बाइक की क्लच प्लेटों को चेक करवाएं, इसकी क्लच प्लेटें अगर आपकी ठीक होंगी तो आपका ये बैरिंग ठीक चलेगा। अगर आपका पीछे से कोई मसला होगा, बेशक वो सुजुकी GT110 है या GR150 है, अगर इसके क्लच प्लेटों का इशू होगा तो इसके क्लच बक्से के बैरिंग का बार बार मसला आएगा। तो आप अपने नज़दीकी किसी मैकेनिक को चेक करवाएं, और जब आप इसको बैरिंग के लिए खुलवाते हैं इसकी साइड को, तो आप इसकी क्लच प्लेटों को भी चेक करवाएं। तो जी एक भाई ने सवाल किया है कि सुजुकी GS150 बाइक है, ये सुबह स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। इन बाइकों में कह लें कि जैसे ये मौसम अब चेंज हो रहा है, आगे थोड़ा सा सर्दी आ रही है, तो इन बाइकों की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहती है। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप इसको सुबह चौक पर स्टार्ट करें, इसको थोड़ी देर के लिए चौक पर गर्म करें, और उसके बाद आप इसकी चौक को बंद कर दें। अगर आपका इस तरीके से भी मसला हल नहीं हो रहा, तो आप इसके पेट्रोल को थोड़ा सा, पेट्रोल सेटिंग से इसके पेट्रोल को थोड़ा सा खुलवा लें। तो गाड़ी आजकल बहुत ज़्यादा मसला कर रही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है, गाड़ी सुबह के टाइम आपको तंग कर रही है, स्लो पर स्टार्ट नहीं हो रही, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसके कारपेटर के नीचे एक पेज लगा हुआ है, इस गाड़ी का कारपेटर नहीं खुलता, इसका भी ये पेज खोलेंगे, और इसका ये कचरा देख रहे हैं नीचे आ गया है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कारपेटर में कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। इस गाड़ी का कारपेटर आपने नहीं खुलवाना, और आपने जब इसको सुबह स्टार्ट करना है, तो इसकी सबसे पहले तो दोस्तों आपने ये चौक आपने खींची, तो खींच के आप इसको स्टार्ट करना है। इसकी रेस में अप डाउन है, रेस कभी इसके ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो इसका थोड़ा सा पेट्रोल हमें खोलना पड़ना है। पेट्रोल की सेटिंग हम करेंगे इसकी, तो इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसमें नोट करनी पड़ती हैं, चेक करनी पड़ती हैं क्या क्या मसले हैं। अब इसका पेट्रोल हम सेट कर रहे हैं, अब इस गाड़ी का पेट्रोल सेट हुआ है, तो इसकी रेस की अप डाउन ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी अब सुबह स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम ठीक हो गई, बंद करके स्टार्ट कर दे रहा। ये देखें दोस्तों, अब हाफ स्लिप पर ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आएगी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के बटन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भी मान लो।